हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो वेलकम बैक टू डाउटनेट। आज की हमारी क्लास किस पर है? देखो भाई, ऑलमोस्ट हमारे ना सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। तो मैंने क्या सोचा कि भाई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, अब से ना क्या स्टार्ट कर दें उनकी रिविजन। तो रेडी हो आप लोग रिविजन के लिए? तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है रिविजन का? आज हमारा टॉपिक है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्योंकि मैंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैम हमारे एग्जाम्स हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते रहते हो कि मैम हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हमारे एग्जाम हैं। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि भाई जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, जिस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिस टॉपिक में से आते हैं, व्हाई नॉट वी डू दैट टॉपिक फर्स्ट, है ना। व्हाई नॉट वी डू द रिविजन ऑफ दैट टॉपिक, है ना। सो रिविजन करने वाले हैं आज हम द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। सो आई होप आप सभी को याद होगा। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पेशेंटली अटेंटिवली मुझे सुनेंगे। ओके चलो आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार नजर मार लेते हैं अपने डेली टाइम टेबल पे, है ना। ओके सो 3 बजे होती है हमारी वैदिक मैथ्स की क्लास रोज, मंडे टू सैटरडे। 4 बजे होती है हमारी इंग्लिश एंड साइंस की क्लास। तो अभी अभी आप लोग अपनी इंग्लिश की क्लास अटेंड करके आ रहे हो, है ना, बिकॉज इंग्लिश की क्लास होती है मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आज क्या है? मंडे है। साइंस की क्लास होगी आपकी कल थर्सडे एंड सैटरडे, दैट इज ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे। ओके एंड मैथ्स की क्लास होती है आपकी रोज, यानी कि 5 बजे। सो दिस इज योर टुडेज फर्स्ट लास्ट क्लास, है ना। ओके चलो, लेकिन लास्ट क्लास है इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी पूरी डाउन होनी चाहिए। एनर्जी एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे होनी चाहिए ताकि आप लोग ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज कर पाओ एंड फटाफट मेरे से भी पहले उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, है ना। क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जेम्पलर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के बड़े बहन भाई सीनियर्स के लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। दैट इज क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो सीबीएसई बोर्ड 2021 देंगे, उनका न्यू कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब इस कोर्स में ऐसा क्या बढ़िया है, इस कोर्स में ये बढ़िया है, देखो सबसे पहले तो डाउटनेट के एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, है ना। अब जैसे मज़ा आप ले रहे हो डाउटनेट की लाइव क्लासेस का, घर पे बैठे बैठे आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, वैसे ही आप रिकमेंड कर सकते हो अपने बड़े बहन भाई सीनियर्स नेबर्स जो भी कजन्स क्लास 10th में हैं उन्हें, ठीक है। और इस कोर्स की ग्रेट बात क्या है, इस कोर्स में ग्रेट ये है कि एक तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फोकस्ड क्लासेस होंगी, नोट्स दिए जाएंगे टीचर्स के द्वारा, एंड आप लोगों को अपना इवैल्यूएशन खुद कर पाओगे। यानी कि जो आपके सीनियर्स हैं जो क्लास 10th में हैं, वो लोग अपना इवैल्यूएशन खुद कर पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए उनकी कितनी तैयारी है। टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट की मदद से वो लोग अपना इवैल्यूएशन खुद कर पाएंगे कि वो कितने पानी में हैं और कितने नहीं, यानी कि कौन से टॉपिक्स उनके स्ट्रांग हैं एंड कौन से नहीं, किस टॉपिक पे उन्हें ज़्यादा फोकस करना है एंड किस टॉपिक पे थोड़ा कम फोकस करना है, है ना। सो इसीलिए हम क्या लेंगे, आप लोगों के वीकली एंड मंथली टेस्ट भी लिया करेंगे, क्लियर है। चलो सो अगर आप लोग किसी को रिकमेंड कर रहे हो डाउटनेट की लाइव क्लासेस, या किसी को भी बता रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आप उन्हें नंबर दे सकते हैं सो दैट वो हमें बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स, क्लियर है। चलो सो अब बारी आ गई हमारी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्विज की, बिकॉज आज हमारी क्या है, रिविजन क्लास है। किसकी? द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। अब रिविजन क्लास का ये मत मतलब समझो कि भाई जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा ये उनके लिए नहीं है, नहीं भाई है। हम शुरू से आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर जाएंगे क्वेश्चंस पे। तो इसीलिए पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो ट्राइंगल्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बचपन से पता है, यानी 3rd 4th स्टैंडर्ड से आप ट्राइंगल शेप देखते ही आ रहे हो और उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, उसके ऊपर लेमन स्क्वीजी इजी पीजी क्विज, है ना। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्राइंगल हैव। बहुत आसान है ये तो, कितनी साइड्स होंगी एक ट्राइंगल की, जल्दी बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो भाई। ये तो जिसने कोई क्लास 7th में है भी नहीं ना, उस इतने छोटे से बच्चे से भी पूछोगे वो भी बता देगा, तो आप लोगों को तो आना ही चाहिए, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, उसे क्या कहेंगे हम, ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं उसे क्या बोलोगे,
इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल या फिर नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं इनमें से. क्या क्या नाम है उन, क्या नाम होता है ऐसे ट्राइंगल का जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ओके चलो डिस्कस करें. तो ट्राइंगल, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मतलब तीन, तीन एंगल्स यानी तीन साइड्स. तो आर आंसर इज ऑप्शन सी. ओके चलो, इन विच द ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, क्योंकि इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, तो इसीलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्लियर, चले आगे. ओके सो अब हमें क्या करना है, हमें ये तो मालूम है हमें रिविजन करनी है, बट रिविजन कैसे करनी है अभी देखते हैं. चलो तो सबसे पहले आप लोग ही बताओगे आज सारी चीजें मुझे, सबसे पहले बताओ मीडियन क्या होता है. मीडियन क्या होता है, मीडियन यानी मिडिल, है ना, मीडियन का क्या मतलब है, मिडिल, मिडिल पॉइंट कह सकते हो, मिड पॉइंट कह सकते हो, कि भाई ऐसी लाइन जो कि एक ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक ऑपोजिट साइड पे जाए और उसे मिड पॉइंट पे कट करे, यानी कि मिड पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट यानी दो इक्वल हाफ्स में कट करे, यानी कि बाइसेक्ट करे. क्लियर है. सो अगर एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर एक ये वर्टेक्स है ए, उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, बी सी, है ना. सो अगर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये ए एम, और M अगर क्या है, मिड पॉइंट है BC का, यानी BM इज इक्वल टू MC है अगर, सो देन दिस AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC. क्लियर है. ऐसी अगर B है उसके ऑपोजिट साइड क्या है, AC है, तो अगर ये क्या है N, मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो देन दिस BN इज ऑल्सो मीडियन ऑफ ABC. तो यानी हमें क्या देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं, तीन मीडियंस होते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ मीडियंस इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री. डन, क्योंकि जितने वर्टिसेस उतने क्या लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं और उतने ही क्या हो गए, मीडियंस हो गए. क्लियर है, इतनी बात समझ आई. चलो नेक्स्ट, ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, देखो हम माउंट एवरेस्ट या जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनकी क्या बोलते हैं, इतना ऑल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, इतना फीट अबव द सी लेवल, ये सब की बात होती है ना, यानी कि हाइट ऑफ दैट माउंटेन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो हाइट, किसी भी चीज की हाइट इज नोन एज ऑल्टीट्यूड. सो ऑल्टीट्यूड का दूसरा मतलब क्या है, हाइट. सो ट्राइंगल की ऊंचाई, ट्राइंगल की लंबाई इज कॉल्ड हाइट, यानी कि इट इज नोन एज ऑल्टीट्यूड. सो अगर एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और ए कोई वर्टेक्स है, अगर उस वर्टेक्स से लेकर मैं एक लाइन ड्रॉप करती जाऊं ऑपोजिट साइड पे और वो उसको मीट कर रही है एट 90 डिग्री एंगल, तो ये ए एम जो बना, तो ये ए एम क्या बना, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या फिर हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. क्लियर है इतनी बात. तो ऐसे ही हम ऑल्टीट्यूड्स टोटल कितने बना सकते हैं, तीन, है ना, हर वर्टेक्स से लेके जाएंगे 90-90 डिग्री एंगल बनेगा, तो कितने ऑल्टीट्यूड्स बन गए, टोटल तीन ऑल्टीट्यूड्स बन गए. तो एक ही ट्राइंगल में तीन मीडियंस हो सकते हैं एंड तीन ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं. क्लियर है, चले आगे. ओके सो नेक्स्ट, अब बारी आ जाती है ट्राइंगल्स के बारे में. देखो चैप्टर का क्या नाम है, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो ट्राइंगल्स में हमने दो चीजें पढ़ी, सबसे पहला मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है. उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. अब वो तो आप जानते ही हो, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. सबसे पहला इक्विलैटरल ट्राइंगल, कि भाई जिसमें सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्राइंगल देन स्केलीन ट्राइंगल. क्लियर है इतनी बात? ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्या होता है जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल, एनी टू साइड्स आर इक्वल. एंड स्केलीन ट्राइंगल होता है नो साइड इज इक्वल. नो साइड इक्वल यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट. क्लियर है? अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है? इक्वल है सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स भी क्या हैं? इक्वल हैं. सो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ऐसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है? एनी टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंड देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स का क्या मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और मैं बोल दूं कि ये आइसोसेलेस है यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, उसका क्या मतलब है कि ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी, है ना. और ऐसे ही ए सी के ऑपोजिट एंगल है एंगल बी, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका क्या मतलब हो गया कि एंगल बी भी इक्वल होगा एंगल सी के. क्लियर है? और स्केलीन ट्राइंगल में कोई साइड इक्वल नहीं है, तो यानी कि कोई एंगल भी इक्वल नहीं है. एंड नो एंगल इज इक्वल. गॉट इट? समझ आया ये सबको? अब एंगल्स के बेसिस पे डिवीजन है, ये तो था साइड्स के बेसिस पे डिवीजन, है ना. अब एंगल्स की भी बारी आएगी, तो एंगल्स के बेसिस पे कैसे डिवीजन होगा? वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट होंगे. तो सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है वो एंगल्स जो 90 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं. यानी ऑल द एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल्स. एंड राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं, है ना. एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं? सारे एंगल्स जो भी 90 डिग्री से बड़े हों, जैसे कि 100, 91, 90.5, ये सारे एंगल्स क्या हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, क्योंकि वो 90 से क्या है? बड़े हैं. क्लियर? सो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब? सारे एंगल्स क्या होंगे? होंगे उस ट्राइंगल में एक्यूट होंगे. राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब? कोई एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा. ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का मतलब कि कोई एक एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा. डन? क्लियर? सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझ आया? ओके, अब ट्राइंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं. यानी ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज है चैप्टर. सो ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग गई, अब बारी आती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी चीज की विशेषता. ठीक है, सो विशेषताएं क्या है ट्राइंगल्स की? यानी ट्राइंगल्स में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या बातें करते हैं हम ट्राइंगल्स के बारे में. सो उसकी वो क्या है? प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, क्लियर, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सबसे पहले इंटीरियर का मतलब अंदर होना, है ना. तो अंदर होना यानी ट्राइंगल के अंदर वाले सभी एंगल्स क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे, है ना. तो ये क्या है? एक इंटीरियर एंगल है. ये क्या है? एक इंटीरियर एंगल है. ये क्या है? एक इंटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा बाहर का कोई एंगल. तो अगर मैं ऐसे कुछ एक्सटेंड कर दूं लाइन, तो ये जो ए सी डी, ये वाला जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. क्लियर है बात? समझ आया सबको? यानी कि अगर कोई भी एक साइड में एक्सटेंड कर दूं और वो
एंगल बने एक दूसरी किसी साइड के साथ, सो दैट एंगल विल बी एन एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर है बात? यानी कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है? यानी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. यानी कि ये वाला जो इंटीरियर एंगल है वो तो इसके जस्ट साइड में है, तो साइड वाला एंगल नहीं, उसके ऑपोजिट, यानी ये वाले दो एंगल्स, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी. क्लियर है इतनी बात? सो व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सेज दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर है इतनी बात? समझ आई सबको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले. ओके, अब रेगुलर क्लासेस में तो हमने क्या किया था, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में प्रूफ्स भी करे थे और कुछ मजेदार सी एक्टिविटीज भी करी थी, याद है सबको? और अगर जिन्होंने बाय चांस रेगुलर क्लास में नहीं देखी थी वो एक्टिविटीज, प्रूफ्स या कोई भी लेक्चर मिस हुआ था, तो बच्चा आप लोग जाकर ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो आराम से बैठ के मस्त. अगर कहीं पे भी कोई भी स्टेप नहीं समझ आ रहा तो देखो लाइव क्लास में तो आप मुझे पॉज नहीं कर सकते, लाइव क्लास में पॉज नहीं कर सकते ना, पॉज बटन नहीं होगा. लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप मुझे पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद अगर आपको रिपीट करना है वही सेम क्वेश्चन को 10 times रिपीट करना है तो रिपीट मोड में देखते रहो, ठीक है? रिवाइंड करो वीडियो को, फास्ट फॉरवर्ड करो, जो मन कर रहा है जैसे कर रहा है आप उस लेक्चर को ध्यान से पढ़ो, सुनो, देखो और खुद से सॉल्व करो क्वेश्चंस, ठीक है? सो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन है तो इसीलिए मैं बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज सब बता रही हूँ. प्रूफ्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा आप लोग ऐप पे जाके देख सकते हो. क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये पढ़ा था हमने. अब एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि एंगल्स का सम, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 degree. यानी कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. इसको दोबारा लिख देते हैं क्योंकि मेरे पीछे छुप गया था वो, है ना? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 degree. क्लियर है? यानी कि ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? 180 degree होगा. डन, क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें. चलो, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? हमने पूरे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है? सो हम आ गए हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी में. तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, ठीक है? अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल लिया आपने ए बी सी, ठीक है? ए बी सी क्या है? कोई ट्राइंगल है. वो बोल रहे हैं सम ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि ए बी प्लस बी सी अगर मैं करूं, कोई भी दो साइड्स ले ली ए बी एंड बी सी, उनका मैंने सम कर दिया, तो उनका सम जो आएगा वो बड़ा होगा तीसरी साइड से. यानी ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, और तीसरी साइड बची कौन सी? ए सी, ठीक है? ऐसे ही ए बी प्लस ए सी करूं तो वो बड़ा हो जाएगा बी सी के, है ना? ऐसे ही ए सी प्लस बी सी करूं तो वो बड़ा हो जाएगा ए बी के. तो यानी कि किसी भी ट्रायंगल में ये चीज क्या होगी? करेक्ट होगी. दैट इज कोई भी दो साइड्स का अगर हम सम करें तो वो बड़ा हमेशा आएगा तीसरी साइड से, ठीक है? अब उल्टा,
कि अगर कोई भी तीन लाइन सेगमेंट्स हमें दी हैं, हमने याद है रेगुलर क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, यानी जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जब ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे डिटेल में, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि हमें तीन लाइन सेगमेंट्स दी हैं और हमें बोला है कि वेदर अ ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट. तो हम क्या करते थे, हम यस कब बोलते थे कि यस अ ट्राइंगल इज पॉसिबल विद दीज थ्री साइड्स व्हेन दिस प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड, यानी कि जब भी ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी, जब भी ये इनइक्वालिटी इन इक्वेशन सैटिस्फाई होगी, तब हमारा ट्राइंगल क्या होगा, पॉसिबल होगा. अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगी, तब हमारा ट्राइंगल क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर है इतनी बात? तो यानी उल्टा भी चल रहा है कि अगर ट्राइंगल है तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, और अगर ये तीनों चीजें करेक्ट हैं तो ट्राइंगल बनेगा. आई बात समझ? चले आगे, देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी. चलो सो लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं अब. ओके चलो सो फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम ना सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्स, ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के लिए ही लगेगी. तो पाइथागोरस थ्योरम तो भैया सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, लेकिन बाकी तीनों जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, वो क्या है, किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे लग सकती है. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम ही एक ऐसी थ्योरम है जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होगी. क्लियर है इतनी बात? अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो ए बी सी, और एंगल बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है. ठीक है, अगर हमें ये चीज दी हो तो हमें क्या दिया मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि अगर हमें 90 डिग्री के सामने वाली कोई साइड देखें, यानी कि साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, उसे हम क्या बोलेंगे. अब राइट एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है, यानी एंगल बी क्या है हमारा, राइट एंगल 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, ए सी. तो ए सी क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो गया. यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस, एंड दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे हमारे, लेग्स ऑफ द ट्राइंगल. सो ये क्या होंगे, लेग्स होंगे. क्लियर है? तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम बोलती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. यहां पे लिखूं स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स of a right angled triangle. Clear है इतनी बात? चलिए देखिए बोल क्या रहे हैं. स्टेटमेंट से नहीं समझ आया, डोंट वरी, हम लिख रहे हैं. चलो सो हाइपोटेन्यूस क्या है यहां पे, ए सी है ना, तो उसका स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू लगा दिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स, तो पहले स्क्वायर ऑफ लेग्स कर लो, यानी ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, और उनका क्या कर दो, अब सम कर दो, तो यानी ये क्या है, बराबर है. ठीक है, सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है किसके, स्क्वायर ऑफ लेग्स और उनके सम के. क्लियर है इतनी बात समझ आई? और इसमें भी उल्टा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये चीज क्या होगी, करेक्ट होगी, और अगर ये चीज करेक्ट है तो हमारा ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. डन, क्लियर, समझ आया? यानी कि ये क्या है हमारा, बेसिक बेसिक पूरा चैप्टर फिनिश है, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा चैप्टर फिनिश है.
यही पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब मेन बात आ जाती है क्वेश्चंस की कि आप लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया है समझ, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है तीन साइड्स का एक पॉलीगन, ठीक है, यही है। यानी ट्राइंगल में क्या है, तीन साइड्स हैं, तीन वर्टिसेस हैं, तीन एंगल्स हैं, ओके। मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन, फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। देन उसके बाद हम आए प्रॉपर्टीज पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, एंड देन पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, है ना। चले आगे, ओके, सो नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द एंगल्स अदर दैन द राइट एंगल आर, चलिए देखते हैं, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और वो बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली उसमें एक क्या होगा, राइट एंगल होगा, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं कि एक एंगल तो भैया हमारा है 90 डिग्री, तो बाकी के दोनों एंगल्स क्या होंगे, देखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल्स अदर दैन, यानी बाकी के दोनों एंगल्स क्या होंगे, क्या होंगे बताओ, ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस यानी 90 से बड़े, अगर सपोज एग्जाम्पल ले 100, तो एंगल बी भी अगर 100 है, एंगल सी भी अगर 100 है, और एंगल ए भी अगर 100 है, एंगल सी भी अगर 100 है, तो एंगल बी तो हमें वैसे ही 90 दिया हुआ है। सम कर लो, सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री, है ना, एंगल्स इन प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे सम क्या आ रहा है 290, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए ऑब्ट्यूस तो नहीं हो सकते। राइट हो सकते हैं, अगर ये भी 90 हो जाएगा तो दो का ही सम 180 आ गया, तीसरा ऐड करेंगे तो वो तो 180 से बड़ा आएगा, तो यानी राइट भी नहीं हो सकता। दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और अगर स्ट्रेट हो गए, अगर यही एक 180 डिग्री आ गया, तो बाकी दोनों की जरूरत क्या है, है ना, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, तो यानी कि बाकी के जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। क्लियर है ये बात, चले आगे, ओके चलो ये देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना, वन एंगल इज 70 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर, अब उन्होंने बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चलो मान लिया ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना, और वो बोल रहे हैं कि एक एंगल क्या है 70 है, सो अगर हम कौन सा एंगल 70 मानेंगे, एंगल बी 70 मानेंगे या कोई और एंगल मानेंगे, देखो अगर एंगल बी को हमने 70 डिग्री मान लिया तो दैट मीन्स एंगल सी भी 70 होगा, यही होगा, है ना, यही पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन वो हमें क्या बोलते, उन्होंने बोला सिर्फ एक एंगल है 170, तो यानी कि एंगल बी और एंगल सी तो भाई हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एंगल ए को क्या होना पड़ेगा, 70 डिग्री होना पड़ेगा, और एंगल बी को मैं मान सकती हूँ एक्स, एंगल सी को भी मान सकती हूँ एक्स, तो क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी हमें, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना, सो एंगल ए क्या है 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर, सो एक्स प्लस एक्स इज 2x, है ना, अब ये क्या बन गया, सिंपल इक्वेशंस, तो x सॉल्व करना है, 70 क्या हो रहा है ऐड, शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 दैट इज 55 डिग्री, सो यानी ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आ गया, सो आवर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्लियर, चले आगे, ओके चलो, सो नेक्स्ट अब ये देखो क्वेश्चन, इन द फिगर 6.7 यानी ये जो फिगर हमें दी है उसमें बोल रहे हैं वो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी एस दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स फाइंड करना है हमें, कैसे करोगे, देखो इस ट्राइंगल में क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल दी हैं दैट मीन्स देयर ऑपोजिट एंगल्स आर
इक्वल, है ना. सो पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, एंड पी एस के ऑपोजिट एंगल है ये वाला. तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए. क्लियर. सो अगर मैं इसे वाई या एंगल वन मानूं और इसे भी एंगल वन मानूं, चलेगा, ठीक है, चलेगा ना, है ना. ओके चलो. सो देखें अब क्या होगा, एंगल 110 यानी ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल 1 इज 180. क्यों? बिकॉज एंगल्स मेड ऑन द स्ट्रेट लाइन, है ना. स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री. सो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर. क्लियर. सो एंगल 1 क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 110 विच इज 70 डिग्री. तो यानी ये 70 डिग्री आ गया, तो ये भी 70 डिग्री आ गया. क्लियर. तो ऐसे ही ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अब 70 प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, है ना. सो 70 प्लस ये वाला एंगल को मैं एंगल 2 मान लूं, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर. रीजंस लिखना क्या है, बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रीजंस नहीं लिखोगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है. चलो सो एंगल 2 क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी एंगल 2 आ गया 110. अब इस ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल भी पता लग गया, ये तो पता ही है 25 डिग्री, तो x इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि तीन एंगल्स का सम एक ट्राइंगल में क्या होगा, 180 डिग्री. अब हमें दो पता है, एक हम फाइंड कर सकते हैं, है ना. सो इन ट्राइंगल पी एस आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, x प्लस एंगल 2 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर है. सो एंगल 2 क्या है हमारे पास, 110 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 110 प्लस 25 कितना होगा, 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. अब x कैसे आएगा, x आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. 180 माइनस 135 कितना होगा, 50 डिग्री. ओके सॉरी 70 एंड दिस इज 5 एंड 4, 45 डिग्री. सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर है, समझ आया कैसे सॉल्व किया. देखो सारी प्रॉपर्टीज को क्या रखना है आपको अपनी टिप्स पे, जब तक सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना. रेगुलर क्लास में मैंने यही बोला था कि प्रॉपर्टीज याद कर लो तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि प्रॉपर्टीज याद कर लो, सब आसान है. मुझे याद है तो देखो मेरे लिए फटाफट से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, आपको भी याद होंगे, कुछ कुछ बच्चों को तो याद होंगे, आई गारंटी, वो मेरे से पहले ही सॉल्व करके बता रहे होंगे आंसर्स, है ना. और बाकी बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो, चलो एग्जाम नहीं देना क्या, देना है ना, तो इसीलिए थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, है ना. ओके चलो नेक्स्ट. लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. यानी कि हमें लेंथ दी हुई है ट्राइंगल की 3, 4 एंड 5. द ट्राइंगल इज, हमें क्या बताना है कि कौन सा ट्राइंगल है. देखो हमें क्या दिख रहा है कि 3, 4, 5 क्या है, साइड्स है, यानी कि सारी साइड्स डिफरेंट हैं. तो या तो स्केलीन ट्राइंगल होगा, ऑब्वियसली स्केलीन ट्राइंगल तो है ही, बट हमें ऑप्शन में स्केलीन ट्राइंगल नहीं दिया हुआ, हमें ऑप्शन में दिया हुआ है एंगल बेस्ड पे, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल. अब देखो ऑप्शन 4 क्या दिया है, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल. देखो आइसोसेलेस तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, बिकॉज कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल ही नहीं है. सो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. अब हमें चेक करना है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या राइट है. ऑब्ट्यूज और एक्यूट चेक करने का तो कोई तरीका ही नहीं मालूम हमें, है ना. हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का तरीका पता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. अगर पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड उल्टा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रू होगा. तो इस केस में हम क्या चेक करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है. सो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर का सम के, है ना. सो हाइपोटेन्यूस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड. तो यहां पे 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है. चलो 5 का स्क्वायर किया विच इज इक्वल टू 5 इंटू 5, है ना.
एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, एक्सपोनेंट्स की 5 raised to power 2 वो क्या होता है, 5 into 5 है ना, विच इज 25। ठीक है, 3 square plus 4 square, यही दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए है ना, टू शो हमें क्या दिखाना है, 5 का square is equal to 3 square plus 4 square, यही तो दिखाना है हमें, टू शो दैट दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये चीज नहीं आती है ट्रू तो हम बोलेंगे दैट दिस ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ओके चलो, सो 3 का square यानी कि 9, यानी 3 into 3 9 प्लस 4 into 4 दैट इज 16, सो 9 plus 16 is 25, यानी कि ये चीज क्या है, करेक्ट है। सो दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईजी है ना। हमें हमने सोचा कैसे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, देखो बहुत आसान है क्योंकि हमने कोई भी रूल नहीं पढ़ा, कोई भी प्रॉपर हमने चैप्टर फिनिश कर दिया, यानी कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए, लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट में हमने ये नहीं पढ़ा कि हम किसी भी ट्राइंगल को, यानी अगर हमें 3 sides दी हैं तो हम उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसे दिखाएं या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कैसे दिखाएं। हमने सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है, यानी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे ही लगेगी। तो इसीलिए हमारा सबसे पहले दिमाग में क्या आएगी चीज कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल चेक कर लो, वो नहीं है तो उसके बाद सोचेंगे क्या होगा। ठीक है ना, आई बात समझ। ओके नेक्स्ट, अब ये बताओ इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, देखो ड्रॉ करो पी क्यू आर। अब देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर दैन लेस दैन साइन दिख रहा है ना, तो वो साइन किस में आता है, बाकी हमने 4 properties पढ़ी, सब में क्या आता है, इक्वल टू आता है ना। चलिए देखें सब में क्या आता है, इक्वल टू साइन आता है, पाइथागोरस थ्योरम में भी इक्वल टू साइन आ रहा है ना, ठीक है, और इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में भी इक्वल साइन आ रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी में भी इक्वल टू साइन आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज सम ऑफ एनी 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द 3rd side, उसमें क्या आता है, ग्रेटर दैन साइन आता है ना, ग्रेटर दैन साइन दिख रहा है, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ग्रेट वही वाली 3rd वाली कि सम ऑफ एनी 2 sides बड़ा होता है 3rd side, ठीक है। अब यही क्या है, देखने के तरीके हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करोगे, ये क्या है, ट्रिक्स हैं देखने की, ये जो मैं आपको साइड बाय साइड बताती जा रही हूं, ठीक है ना। चलो सो इसमें क्या क्या लगेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर है ना, पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर एंड क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, यही लगेगा इसमें है ना, पी क्यू यही तीनों चीजें लगेंगी इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से करेक्ट कौन सा है, पी क्यू माइनस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, नहीं भाई माइनस वाला तो सही होगा ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर इज लेस देन पी आर, नहीं सम तो हमेशा बड़ा होता है, नहीं पी क्यू माइनस क्यू आर, देखो नेगेटिव वाली तो बात ही नहीं होगी, सब में क्या हो रहा है, एड हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, पी क्यू प्लस पी आर इज लेस देन क्यू आर। ओके चलो, अब आप कहोगे कि मैम ये भी नहीं लग रहा लेस देन है ना, तो चारों ऑप्शंस तो गलत हो नहीं सकते, यानी हमने कुछ गड़बड़ करी है सोचने में। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है हमसे, अब देखो ये नहीं हो सकता एंड ये नहीं हो सकता, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, हमें क्या दिख रहा है यहां से कि पी क्यू और क्यू आर है और पी आर है, ठीक है। तो देखो पी क्यू माइनस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर, लेकिन नहीं हमें क्या पता है पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर है ना, सो ये तो नहीं होगा, पक्का से नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक पी क्यू माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस क्यू आर इज लेस देन पी आर। चलो देखते हैं, पी क्यू माइनस क्यू आर इज लेस देन पी आर, अगर मैं इस क्यू आर को इस तरफ शिफ्ट कर दूं, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, पी क्यू इज लेस देन पी आर प्लस क्यू आर, ये बन जाएगा है ना, और ये कौन सी इनइक्वालिटी बन गई, ये बन गई 3rd वाली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है,
आया समझ कि हम शुरू में क्या गड़बड़ कर रहे थे, हमने बस देखा कि नेगेटिव है नहीं होगा, लेकिन वो भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए बस QR को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और वो माइनस हो जाएगा, है ना। सिंपल इक्वेशंस में हमें पता है कि अगर कोई टर्म ऐड हो रही है हम उसे शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो वही हुआ इधर एंड हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके चलो, सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई, ये चैप्टर क्लियर हुआ। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आई होप उन्हें भी समझ आया होगा। एंड अगर आपको प्रूफ्स जानने हैं तो मैंने बोला कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो पुराने वाले, है ना। पिछले हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही किया था ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आज का लेक्चर तो क्या था, बेसिक हमारा रिविजन था, ठीक है। अब रिविजन के नाम पर आप लोग ये क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ये क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है, कर लोगे ट्राई। बिकॉज ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों दे रही हूं, बिकॉज ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे और इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। सो अब बढ़े हम अपनी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्विज पे। ओके चलो, सो नाउ इट्स क्विज टाइम, गेट रेडी फॉर द क्विज, रेडी चले। सो फर्स्ट क्वेश्चन, The three angles of a triangle are in ratio 1:2:1. Find all the angles of the triangle. कैसे find करोगे? Angles of a triangle find करने का कौन सा तरीका पढ़ा है हमने? देखो चारों properties को ना याद करो दिमाग में, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके चलिए नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। ओके चलो डिस्कस करें। चलिए तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भाई रेशो में है तीनों एंगल्स, तो एक ट्रायंगल है अगर ए बी सी, एक एंगल एक्स मान लिया, दूसरा 2x और तीसरा x, है ना, यही रेशो है 1:2:1, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x प्लस 2x 3x, 3x प्लस x 4x, सो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 2 के टेबल में ये 2 पे ये 90, 2 के टेबल में 1 ये 45, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, तो कौन सा करेक्ट होगा, यही करेक्ट होगा, है ना, 45 डिग्री इसी में ही है। बट अगर हमें निकालने हैं सारे एंगल्स तो 2x भी निकाल लो, 2 × 45 विच इज 90 डिग्री, तो हमारे एक एंगल हो गया 45, फिर 90, फिर 45, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल दिए हैं, उन्होंने बोला ईच इक्वल एंगल इज 50 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ही क्या है 50 डिग्री है, और हमें तीसरा एंगल क्या करना है, फाइंड करना है, उसको हमने मान लिया एक्स, सो एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, सो एक्स प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री, सो तीसरा एंगल क्या आ गया 80 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपकी अच्छे से रिविजन हो गई होगी, एंड कल की क्लास में आप लोग क्या करके आओगे, एक तो वो क्वेश्चन करके आओगे सॉल्व, होमवर्क जो दिया है मैंने, एंड क्या करके आओगे, रिवाइज करके आओगे, ताकि कल की क्लास में जब हम IMO स्पेशल क्वेश्चन करें तो आपको क्या आए, मजा आए, ठीक है। ओके तो कल हम क्या करेंगे, 5 बजे ही यानी 5 o'clock की क्लास में ही ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के IMO स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, और आप जानते ही हो कि IMO के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ना हायर लेवल होते हैं, एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में भी वो पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ IMO की ही क्लास हो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा सकती हूँ NCERT के, NCERT एग्जाम्पलर के मिक्स्ड क्वेश्चंस, तो आप लोग क्या करके आओगे, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आओगे एंड प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।